गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं एपिसोड 207 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा आपने देखा कि पार्वती जी अब बोल रही हैं कि भाई उनको साथ ही जाना है भाई मछलियां पकड़ने। भाई बाकी आगे करते हैं, वीडियो स्टार्ट हो देखते हैं। कभी तो मुझे आराम करना होगा ना। मत्स्य, हर कार्य को आरंभ करने का एक समय होता है, समय आने पर अवश्य। नहीं पिताजी, आप सदैव यही कहते हैं। मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती। यदि आप मुझे नहीं ले गए तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अरे सुकर्मा भैया, क्या आप भी जब बच्ची कह रही हो तो ले चलिए ना। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, ले चलिए ना सुकर्मा भैया, हम लोग हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए। इस बहाने इसकी सैर भी हो जाएगी। हाँ, मैं सैर कर लूंगी ना। फिर हमारी पुत्री सैर को कहाँ चली? देखिए मेधावती, कैसी हटी हो गई है हमारी मत्स्या। कहती है हमारे साथ मछली पकड़ने जाएगी। हमसे क्या कह रहे हैं? ये आपकी के स्नेह दुलार का परिणाम है। अब आपके हट के सामने किसी की जीत हुई है भला? अब विलंब मत कीजिए, मंदिर भी तो जाना है। तो आपकी अनुमति हो तो ये जाल ले सकता हूँ मैं? अवश्य। मंदिर में पूजा करके आते हैं। नहीं पिताजी, मैं दर्शन नहीं करूंगी। मुझे मछली पकड़ने की कला को सीखना है ना। देखा वेदावती क्या कह रही है हमारी मत्स्या, उचित है। इसमें ध्यान लगाओ। मछली को पकड़ने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है और ये उसी के अभ्यास हेतु है। चलो मेधावती, पूजा करके आते हैं जी। और आप ध्यान लगाइए।
रह जाना। पिताजी ने कहा है कि मछली पकड़ने के लिए मुझे एकाग्र होना है। मुझे अपने कार्य में ध्यान लगाने दीजिए ना। मैं जानता हूं माता, जब तक आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं होती तब तक आपके ध्यान का विकेंद्रीकरण होना संभव ही नहीं है। और मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचाएंगे।
व्यवस्था के लिए तुम्हारा मुझसे दूर जाना आवश्यक था पार्वती। तुम्हारी अथक साधना को देख के तुम्हारे लिए मेरा प्रेम और बढ़ गया। तुम अवश्य सफल होगी। जरूर होगी। क्या बात है भाई, अब देख ले कि एक पार्वती जी अपनी भाई उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू की हुई है कि अब से शुरू हुई है, क्योंकि अब वो साथ जाएंगी अपने पिताजी के और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भाई सीखेंगी वो, क्योंकि अब यही उनका लक्ष्य है कि अपना भाई जो ध्यान है ना वो उसको लगाना, क्योंकि पहले भी एक ध्यान की वजह से ही सारी चीज़ें ख़राब हुई थी, लेकिन अब वो नहीं होगा ऐसा कभी भी, क्योंकि पार्वती जी काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेनिंग करेंगी इस चीज़ की, बार बार चीज़ें सीखेंगी तो काफ़ी उनको पता चल जाएगा। और बाकी नंदी जी गए थे भाई, नहीं उनके पास भाई एक कला होती है कि ध्यान लगाने की, वो उनके पास बहुत बड़ा गुर होता है कि वो ध्यान लगाते हैं तो तब भी जाकर एक जाल फेंकना या एक टारगेट को एक पा लेते हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी एक पार्वती जी को एक सीखने को मिलेगी, जिससे आगे एक जब भी महादेव जी उनको कोई ज्ञान देंगे लंबा या बड़ा तो वो एक उनका ध्यान भाग नहीं होगा या एक निद्रा में नहीं जाएंगी, तो इसलिए भाई एक सबसे बड़ी एक गेम खेली गई है और फिर से चीज़ें दोबारा स्टार हुई हैं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई नंदी जी साथ साथ हैं, वो प्रतीक्षा जो है ना वो कर रहे हैं और अब तो साथ मिट्टी भी ले आए हैं जहाँ कदम, बाकी भाई महादेव जी भी काफ़ी मिस कर रहे हैं पार्वती जी को, बल्कि डीपली मिस कर रहे हैं और इसलिए वेट में है या इसलिए थोड़ा सब्र में है कि चलो वो एक अच्छा कार्य जो है ना वो कर रही हैं और वो ज़रूर इसमें सफल होंगी, और उसके लिए भाई वो उनका वेट जारी है एक किस्म का। बाकी भाई उधर भी काफ़ी ट्रेनिंग एक किस्म की शुरू तो हो गई है, लेकिन ये कि भाई उनके माता पिता काफ़ी उनसे जो है ना वो लगाव है और बात मानते भी हैं, और वहाँ पर माहौल भी बहुत प्यारा है। बिल्कुल माहौल बहुत प्यारा बनाया गया। बाकी बेस्ट पार्ट था भाई, आगे आगे देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।